डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम क्लास बाय वेलविया की फीडिंग डाइजेशन गैस एक्सचेंज और लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे बाय वेल well, वो एनिमल जिनके अंदर टू टाइप्स ऑफ टू हाफ हैं शेल के इनके अंदर अडेप्टेसन ये है कि नॉर्मली ये सीडेंट्री एनिमल्स हैं फिल्टर फीडिंग लाइफ है इनका इनके अंदर नॉर्मली देर इज लॉस ऑफ हेड एंड रेडुला और कुछ बाईव्स के अलावा देर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ सिलिएटेड कवर्ड गिल्स यानी गिल लाइक -like स्ट्रक्चर की अपेरेंस जो है उसका इनके अंदर आगाज हो चुका है गिल्स क्या हैं गिल्स जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड शीट्स और उन फोल्डेड शीट्स को हम कहेंगे लेमेला अब लैमेला जो है दे आर प्रजेंट ओवर द फुट और दे आर अटैच विद द मेंटल और मेंटल की जो जहाँ पे मेंटल मौजूद है उस पूरे हिस्से को हम कहते हैं मेंटल कैविटी मेंटल कैविटी इज़ वेंट्रल टू द गिल्स इन द इहीलेशन रीजन और इसकी कैविटी जो कि दूसरी साइड पे है उसको हम कहेंगे एक्सेलेंट रीजन इन्हीलेंट का मतलब है वाटर एंटर होगा एक्सेलेंट का मतलब है वाटर विल लीव द बॉडी सिलिया जो है नॉर्मली they move the water in the mental cavity through an incurrent opening of the mental. Sometimes kya hoga ke jo water ka siphon hai this will extend because it will provide a passage for entry of water into the body. फिर biwells जो हैं normally जो sand है उसके अंदर buried रहते हैं. जब ये buried रहते हैं तो इसका mental जो है normally that is used for exchange of gases और water जो body में enter होगा जब mantle को flush करेगा तो वहाँ पर usually ventral uh, vertical channels मौजूद हैं उन vertical channels को हम कहेंगे water tubes अब जब water tubes के अंदर water move करेगा blood और water then they will come in close connection with one another अब यहाँ पर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होगा और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन अब वाटर विल एग्जिट द वॉल थ्रू द मेंटल कैविटी और उसके लिए इसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर गेल्स जिस पूरे चैम्बर में जो मौजूद हैं उसको हम कहेंगे सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर और यहाँ से एक्सकरेंट ओपनिंग जो है दिस विल पुश द वाटर आउटसाइड अब यहाँ पे देखें दिस इज़ एन एक्सीलेंट डायग्राम शोइंग द फीडिंग डाइजेशन गैस एक्सचेंज एंड लोकोमोशन यहाँ पे आप देखें गिल्स जो कि स्ट्रक्चर हमने आपको बताया फुट के ऊपर मौजूद हैं गिल्स के साथ जो हैं वो हैं ये चैम्बर्स जिनको हम कहेंगे वाटर ट्यूब्स ये गैशियस पोर्स हैं ये गिल बार्स हैं और गिल्स जो हैं रिमेंबर दैट गिल्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स और इनको हम कहेंगे पेयर्ड गिल्स दिस इज़ वन दिस इज सेकेंड अब यहाँ पे आप देखें वाटर इज़ इन करेंट अपर्चर वाटर इज एंट्रिंग थ्रू दिस इन करेंट अपर्चर यहाँ से ये यह इनको पूरे को वाटर फ्लैश आउट करेगा यहाँ पे थ्रू डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और वेन द वॉटर विलीव द बॉडी थ्रू द तो ये एक्स करंट अपर्चर जो है दिस विल ओपन और वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा अब ये जो वाटर बाहर जाएगा दिस इज़ फुल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स और इन करंट वाटर जो है दिस इज़ फ्रेश वाटर दिस विल टेक इन ऑक्सीजन और जो एक्स करेंट अपर्चर से वाटर जाएगा दिस विल हैव द बॉडी वेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया तो बाइबल्स जो हैं दे यूजली शो एंड Excellent example of feeding, digestion, gas exchange, locomotion, and are considered to be higher animals belonging to class Gastropoda.